गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट सेकंड लेसन फिनिश आएगा, नेक्स्ट थर्ड लेसन में होगा. ओके, पार्ट थ्री, मेरा देश मेरी माँ, नन्ना देश नन्ना अम्मा, नन्ना देश नन्ना अम्मा, मेरी देश मेरा देश मेरी माँ. अंदरे नन्ना देश नन्ना ताई, अंदरे ताई ये यात्रा उन बात को ट्रितने नन्ना देश ना उन्नत को लगते पुरस्क सैनिक वीर सैनिक वीर सैनिक सोलजर फैरी युद्ध सत्तर अब वीर सैनिक ते भाषे को बेन्न वापस बर नान वीर मरण प्रश्न उठा इस अवैध दीवार पर तोड़ने की
निभाएगा। नेक्स्ट टर्न द पेज। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह के लिए बिना मेजर ने मौत संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों को से कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे गड़ागड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों को टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई लाई और मेजर के हाथ पांव पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीना के पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयदशमी को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक एक पूरा सेना गोलियों से चलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतर्विचय है क्या? गोलियां सीने में कसक रही थी। मेजर पर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ हे मेरी माँ तक संदेश पहुंच देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पिट पर नहीं। जानते हैं एक बहादुर कौन थे? एक भारतीय सेना अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक घुस गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेंगे। नोड़ी मतलब ಒಂದ್ ವೀರ ಯಾವ ತರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂದೇಶನ ರವಾನಿಸಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವೀರ ಸೈನಿಕ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಲೆಸನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. सन 1965 अंदर 1965 1965 एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। शाम अंदर ಸಂಜೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಕಿಸಿ ತರಹ ಕೋಯಿ ಅಶಾಂತ ನಡೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು. ತಬಿ ದುಶ್ಮನೊಡೆ ಭಾರತ ಪರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಖರ್ದಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಶ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಶ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಆಕ್ರಮಣ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
कर रही हूँ, ओके, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया, अचानक ही सडनली गोली खाने की है पेपर नहीं ये देश इनको गुंडों को
सवनो बोस बोल बर हेड़े आता बरबार कलूषण भीषण रूप से भारतीय सेने के लिए चुनौती दीवार बना पड़ा पिक्चर सैनिक निर्माण सैनिक गोड़ी निर्माण नाम यार मुटी मुझे नम देश के बर नोटर पिक्चर सैनिक गोड़ा निर्माण बेरे देश दुश्मन आ देश सैनिक
answer. Okay.